खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है पंजाब पुलिस। पंजाब से लेकर हरियाणा तक सर्च ऑपरेशन जारी। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात। अब तक अमृतपाल के 50 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। पंजाब में दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। माहौल ना बिगड़े इसलिए कई जिलों में धारा 144 भी हुआ लागू। अमृतपाल को ढूंढने के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। केंद्र ने पंजाब को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हर गतिविधियों पर पंजाब पुलिस की नजर। अंबाला पुलिस को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। दिल्ली में बारिश के बाद गर्मी से राहत। 25.3 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए अगले हफ्ते से शुरू करेगा अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई। पीडीए के रडार पर गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम समेत 2 दर्जन लोग। केंद्र को घेरने की तैयारी में संयुक्त किसान मोर्चा। 20 मार्च को बुलाई महापंचायत। किसानों की आय सुनिश्चित करने की उठ रही है मांग। मुंबई के मीरा रोड में आयोजित बागेश्वर बाबा के दरबार में भारी भीड़ से अफरा तफरी। कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की भी एक खबर। बागेश्वर बाबा के दरबार में आए 1 लाख से ज्यादा लोग। भीड़ का फायदा उठाकर चोरी कर रही 2 महिलाओं को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने ला गिरफ्तार। महिलाओं से पूछताछ जारी। आजमगढ़ के आसपास के जिलों में हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्कर राम शब्द यादव और संजय यादव हुए गिरफ्तार। दोनों के पास से 32 बोर की 10 पिस्तौल और 20 मैगनीजीन और कारतूस हुए बरामद। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उमेश पाल पर गोली मारते हुए डरकर भागती हुई दिखी लड़की। 2024 विधानसभा चुनाव के लिए तय हुआ भाजपा शिवसेना का फॉर्मूला। भाजपा 240 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, वहीं शिंदे की शिवसेना 48 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर। घर पर शुरू हुई कुर्की। कोर्ट के आदेश के बाद कश्यप के घर हो रही है कुर्की। कई थानों की पुलिस मौजूद। कश्यप की जमानत को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कश्यप पर सिर्फ बेतिया में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 केसों में वो चार्जशीटेड है। दरवाजे तोड़कर इमरान खान के घर में घुसी पाकिस्तान पुलिस। बुलडोजर से भी एक्शन। इमरान खान इस्लामाबाद से निकल आए तो उनके लाहौर स्थित घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। राज्य में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थियों ने नीतीश सीएम कुमार को निशाने पर लेते हुए सुनाई खरी खोटी। बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। रमजान महीने में कार्यालय में 1 घंटा पहले आने और जाने की होगी अनुमति। सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया। जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने दिव्यांग को टेबल पर बैठाकर सुनी फरियाद। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है तारीफ। 20 दिन पहले ही खुल जाएगा चिराग दिल्ली फ्लाईओवर। 31 मार्च को ही पूरा कर लिया जाएगा काम। जायजा लेने पहुंची पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। 20 मार्च तक बारिश होने की आशंका। बारिश से आम जन की आफत में जान। कहीं डूबी बस तो कहीं डूबे लोग। लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी से आई चेन स्नैचिंग की घटना। बरामदे में बैठी महिला के गले से बाइक से आए 2 लड़कों में से एक ने महिला के गले से खींचा चेन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया जारी। पुतिन पर यूक्रेन में वॉर क्राइम करने का है आरोप। अभिनेता रजनीकांत ने उद्धव ठाकरे से मातुश्री पहुंचकर की मुलाकात। इस वक्त मुंबई दौरे पर है अभिनेता रजनीकांत।